हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ राजदीप प्रसाद। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप एमबीए करना चाहते हैं तो। बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स अभी हैं जिनको एमबीए करना है तो उनके माइंड में सिर्फ तीन सवाल चल रहा है। सबसे पहला सवाल ये है कि अगर उनका एंट्रेंस एग्जाम अच्छा नहीं गया है या फिर उन्होंने एंट्रेंस एग्जाम दिया भी नहीं है तो उनके लिए सबसे अच्छा कॉलेज कौन सा हो सकता है। एंड सेकेंड सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है कि अगर उनको टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज से अगर एमबीए करना है तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आ जाता है वो आ जाता है फी स्ट्रक्चर। बिकॉज फी स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा हाई होता है अच्छे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का। एंड थर्ड सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में ज्यादा फीस के साथ अगर वो एमबीए करता भी है तो उनके माइंड में ये चलता है कि क्या वहां पे हमें प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आया हूं, तो वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जिस कॉलेज के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्वांटम यूनिवर्सिटी, जो कि आपको रुड़की उत्तराखंड में देखने को मिलता है। तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखिएगा सो डेट आपका हर एक डाउट हर एक क्वेरी आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी का जो एस्टेब्लिशमेंट डेट है वो 2017 का है और ये स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है और ये अप्रूव्ड है बाई AICTE एंड UGC। इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर बाकी डिटेल्स को भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताता हूँ। तो अगर मैं यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊं तो यहां पर आपको 7 स्कूल्स देखने को मिलता है। क्वांटम स्कूल्स ऑफ टेक्नोलॉजी, क्वांटम स्कूल्स ऑफ बिजनेस, क्वांटम स्कूल ऑफ ग्रेजुएट स्टडीज, क्वांटम स्कूल्स ऑफ एग्रीकल्चर स्टडीज, क्वांटम स्कूल्स ऑफ मीडिया साइंस एंड डिजाइन, हेल्थ साइंस एंड क्वांटम स्कूल ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म। और इन सारे स्कूल्स के अंदर आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाता है। अभी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स में आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिलते हैं एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में भी आपको बहुत सारे कोर्सेज देखने को मिल जाता है। आप यहां पर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बट आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्वांटम स्कूल ऑफ बिजनेस के बारे में, जहां पर एमबीए करवाया जाता है। तो अगर मैं कुछ रैंकिंग्स की बात करूं तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे द वीक्स के थ्रू यहां पे रैंकिंग दिया गया है, IMRB के थ्रू यहां पे रैंकिंग दिया गया है, कैरियर 360 के थ्रू भी रैंकिंग दिया गया है। ये सारी कुछ रैंकिंग्स है जो यहां पर मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए दिया गया है। अब इसी के साथ अगर मैं एमबीए की बात करूं कि यहां पे आपको क्या क्या स्पेशलाइजेशन देखने को मिलता है तो आपको फाइनेंस, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस, सप्लाई चेन, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड ई कॉमर्स में आपको स्पेशलाइजेशन देखने को मिल जाएगा एमबीए में। और अगर मैं एमबीए की एलिजिबिलिटी की बात करूं यहां पर तो आपका मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए ग्रेजुएशन में, या फिर आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है जैसे कि कैट, जेट, सीमेट या मैट, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल भी हो सकता है। और यहाँ पे क्यूकेयर का भी आप एग्जाम दे सकते हैं जो कि क्वांटम का खुद का टेस्ट होता है। और अगर इसी के साथ मैं एमबीए का फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एमबीए का जो टोटल फीस है फर्स्ट ईयर का वो है 1,47,000 रुपीज उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए, एंड सेकेंड ईयर का फीस है 1,38,000 रुपीज, वो भी उत्तराखंड के स्टूडेंट्स के लिए है। बट अगर जो स्टूडेंट उत्तराखंड से नहीं है तो उनका जो फीस है एमबीए के लिए वो है 1,92,000 रुपीज फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 1,83,000 रुपीज फॉर द सेकेंड ईयर। और इसी के साथ मैं आपको हॉस्टल फीस भी बता देता हूँ। यहाँ पे नॉन एसी का हॉस्टल फीस 80,000 रुपीज है एंड एसी का हॉस्टल फीस 1,00,000 रुपीज है। आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वांटम यूनिवर्सिटी में आपको एमबीए क्यों करना चाहिए। बिकॉज क्वांटम यूनिवर्सिटी आपको 100% प्लेसमेंट श्योरिटी देता है। अभी आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे एश्योर्ड प्लेसमेंट एमबीए प्रोग्राम APMP। ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। APMP एक प्रोग्राम है, एश्योर्ड प्लेसमेंट एमबीए प्रोग्राम, जो कि क्वांटम यूनिवर्सिटी में आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। इस प्रोग्राम के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो जो एमबीए का फीस है वो 4,00,000 रुपीज है। तो आपको क्वांटम यूनिवर्सिटी 4,00,000 का एश्योर्ड प्लेसमेंट देता है। इसके लिए आपको सबसे पहले एक इंटरव्यू क्लियर करना पड़ेगा क्वांटम यूनिवर्सिटी का, और अगर आप वो इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो आपका एमबीए में एडमिशन होता है क्वांटम यूनिवर्सिटी में। और एडमिशन के समय आपको एक रिटर्न बॉन्ड मिलता है 4,00,000 का एश्योर्ड प्लेसमेंट का। और इसमें अगर आपका 4,00,000 का प्लेसमेंट नहीं लगता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, इन केस अगर आपका 3.5 LPA का पैकेज लगा तो आपको 50,000 रुपीज रिफंड किया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको कहना ये चाहता हूँ कि अगर आप 4,00,000 रुपीज इन्वेस्ट करते हैं एमबीए में क्वांटम यूनिवर्सिटी में तो आपको 4,00,000 का एश्योर्ड प्लेसमेंट मिलता है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था एक प्रॉब्लम कि अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी से एमबीए करते हैं तो प्लेसमेंट का जो श्योरिटी है वो आपको बाकी यूनिवर्सिटीज में मिलता भी है नहीं भी मिलता है, बट क्वांटम यूनिवर्सिटी आपको 100% प्लेसमेंट श्योरिटी देता है। अब आपको मैं बताता हूँ कि आप इस यूनिवर्सिटी में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया, आप वहां से जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने इंटरव्यू के लिए टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, और अगर आपका इंटरव्यू क्लियर होता है तो आपको प्रोविजन लेटर ऑफ एडमिशन मिलेगा, उसके बाद आप अपना फीस सबमिट कर सकते हैं एंड फाइनली फिर आपको कंफर्म लेटर ऑफ एडमिशन मिलेगा, फिर आप एमबीए कर सकते हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी में। तो ये प्रोसेस है। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल्स में जानना है तो एक नंबर भी आपको शो कर रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब इसी के साथ मैं आपको APMP प्रोग्राम्स का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी बता देना चाहता हूं। आपको यूनिवर्सिटीज के सारे टर्म्स कंडीशंस को फॉलो करना होगा, जैसे कि आपके हर एक सेमेस्टर्स में 6.5 CGPA होना चाहिए, आपका किसी भी सेमेस्टर्स में किसी भी पेपर में आपको
आपका बैक नहीं होना चाहिए, 75% आपका अटेंडेंस होना चाहिए हर एक क्लास में। और यूनिवर्सिटीज में जितने भी कंपनी आते हैं प्लेसमेंट के समय, आपको हर एक कंपनी में आपको अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटी का आपका टोटल फी आपका क्लियर होना चाहिए। तो अगर आप इस सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो आपका एपीएमपी प्रोग्राम के थ्रू मिनिमम 4 LPA का पैकेज आपका कंफर्म है। तो ये था एपीएमपी प्रोग्राम के बारे में, जो कि सबसे पहला प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट का। तो प्लेसमेंट श्योरिटी तो आपको यूनिवर्सिटी देता ही है। अब इसी के साथ मैं स्कॉलरशिप की बात करता हूं। तो क्वांटम यूनिवर्सिटी में एमबीए के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। यूनिवर्सिटी है बीटेक बीबीए बाकी सारे प्रोग्राम्स के लिए स्कॉलरशिप है, बट एमबीए के लिए कोई स्कॉलरशिप नहीं है। बट इसी के साथ साथ आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू इजी ईएमआई बेस्ड लोन फैसिलिटी दिया जाता है। क्वांटम यूनिवर्सिटी का एनबीएफसी बैंगलोर के साथ एक एमयू साइन है, तो आपको थर्ड पार्टी लोन प्रोवाइड करवाया जाता है आपके एजुकेशन लोन के बेसिस पे। इसके बारे में अगर आपको पूरा डिटेल्स चाहिए तो इसका पीडीएफ का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन पे एक नंबर शो कर रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं। अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम बात कर लेते हैं कि अगर आपको एमबीए करना है तो क्वांटम यूनिवर्सिटी आपको क्या क्या प्रोवाइड करवाता है। तो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज करवाया जाता है, जैसे कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार्स, आउटबाउंड लीडरशिप प्रोग्राम, बिजनेस सिमुलेशन वर्कशॉप्स, लाइफ स्किल्स वर्कशॉप्स एंड इंडस्ट्रियल विजिट्स। तो ये सारी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स है जो यूनिवर्सिटी के थ्रू करवाया जाता है, तो आपका एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस बनता है सो दैट आप इंटरव्यू में एक अच्छा पैकेज ले सकते हैं। और इसी के साथ अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा प्रोफेशनल सर्टिफाइड ट्रेनिंग भी करवाया जाता है, जैसे कि लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, बिजनेस एनालिटिक्स में, MS Excel, SS, SharePoint, और इन सारे प्रोग्राम्स का आपको एक सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड करवाया जाता है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और इसी के साथ यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको इंटरनेशनल स्टडी ट्रिप का भी फैसिलिटी दिया जाता है, बट उसका जो फीस है वो आपको खुद देना पड़ेगा, वो कॉलेज के फीस में इंक्लूडेड नहीं होता है। सो फाइनली अब हम उस टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, वो है प्लेसमेंट, कि एमबीए में प्लेसमेंट कैसा जाता है। बट उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बताना चाहता हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे एमबीए के 2 साल में जो 4 सेमेस्टर्स होते हैं उसमें आपका कौन कौन से सब्जेक्ट्स करवाए जाएंगे वो अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। और अगर इसी के साथ मैं प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो आपको 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना होता है। समर प्रोजेक्ट्स होता है, मेगा प्रोजेक्ट्स होता है, फाइनल ईयर का रिसर्च प्रोजेक्ट होता है। अगर आप इन सारे प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करते हैं तो आपका एक अच्छा खासा प्लेसमेंट लग सकता है। तो इसी के साथ अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो जो क्वांटम यूनिवर्सिटी का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है एमबीए का वो 18 लाख रुपीज का है। हाईएस्ट पैकेज 18 LPA का किया गया है यहाँ पर। इसी के साथ 173 कंपनीज विजिट करती है एंड 672 प्लेसमेंट ऑफर्स यहाँ पे दिया गया है। और अगर मैं एवरेज पैकेज ऑफर की बात करूं तो 4.8 LPA का यहाँ पर एवरेज पैकेज है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लेसमेंट का टेंशन लेने की बात नहीं है, आप एपीएमपी प्रोग्राम के थ्रू आपका 4 लाख का मिनिमम पैकेज तो रखा हुआ है कॉलेज में, अगर आप इंटरव्यू क्लियर करके उस कॉलेज में एमबीए में एडमिशन लेते हैं तो। और मैं एक बार फिर बोलना चाहता हूँ कि अगर इस प्रोग्राम के बारे में आपको अच्छे से जानना है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप लिंक मिल जाएगा या फिर एक नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा है, आप वहां पर कॉल या मैसेज करके इसके बारे में पूरे डिटेल्स में आप जान सकते हैं। अब इसी के साथ मैं कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनीज के बारे में आपको बता देता हूँ, जैसे कि क्विक हिल है, यस बैंक है, महिंद्रा है, टेक महिंद्रा है, बजाज है, जियो है, अपोलो टायर्स है, अमेजोन है। तो ये सारी कुछ टॉप रिक्रूटर कंपनीज है। तो ये था फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कॉलेज एंड प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं कैंपस लाइफ की, कि अगर आप क्वांटम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो आपको कैसा कैंपस लाइफ देखने को मिलेगा। तो मैंने पर्सनली कॉलेज विजिट किया है और जो फैसिलिटी है मैं बताऊं, A1 फैसिलिटी है कॉलेज का। आप अभी स्क्रीन पे भी देख पा रहे होंगे, अगर मैं स्पोर्ट्स फैसिलिटी की बात करूं तो आपको लॉन टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फिटनेस सेंटर, फुटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, ये सारे आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर मैं हॉस्टल फैसिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे आपको बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए हॉस्टल मिल जाता है। अगर मैं हॉस्टल फैसिलिटीज की बात करूं तो कॉमन एरिया है, इंटरनेट है, लॉन्ड्री फैसिलिटी है, जिम फैसिलिटी है, आप बाकी डिटेल्स को स्क्रीन पे पढ़ भी सकते हैं, मैस है, कैफेटेरिया है। तो ये सारी फैसिलिटीज है जो आपको हर एक यूनिवर्सिटीज में देखने को मिल जाता है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटीज भी होता है, बहुत सारे क्लब्स हैं, अगर आप उस क्लब को ज्वाइन करते हैं तो आप एक अच्छा खासा 2 साल एंजॉय कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है क्वांटम यूनिवर्सिटी का, वो है उसका लोकेशन। आपको पता है कि पूरे इंडिया में उत्तराखंड एक बहुत अच्छा स्टेट माना जाता है टूरिज्म के लिए, तो आपको तो एक अच्छा एनवायरमेंट तो देखने को मिलता ही है। और अगर इसी के साथ आप एमबीए करते हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी से तो आपको तो एमबीए के साथ साथ आपको 2 साल का एक फ्री टूरिस्ट पैकेज भी मिल ही जाता है, जिसे आपको पता है कि हर एक सेमेस्टर के बाद ऑफ होता है, तो आप पूरे उत्तराखंड को एक्सप्लोर कर सकते हैं अपने 2 साल में। तो ये था फुल डिटेल वीडियो अबाउट क्वांटम यूनिवर्सिटी। और अगर इसी के साथ मैं फाइनल कंक्लूजन पे आऊं तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में 3 प्रॉब्लम बताया था, सबसे पहला प्रॉब्लम ये था कि अगर आपका एंट्रेंस एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है तो आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी मिल पाएगा कि नहीं, तो क्वांटम यूनिवर्सिटी है यहाँ पर। और फी स्ट्रक्चर की बात करूं तो 5 लाख के अंदर आप यहाँ पर अपना एमबीए कंप्लीट कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूं प्लेसमेंट की तो प्लेसमेंट का तो टेंशन लेने की बात नहीं है, यहाँ पर 4 LPA का आपका एश्योर्ड प्लेसमेंट दिया जाता है। तो अगर आप एमबीए करना चाहते हैं क्वांटम यूनिवर्सिटी से तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा डिसीजन होगा। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए क्वांटम यूनिवर्सिटी के बारे में, एमबीए कोर्स के बारे में, तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कैसे करना है आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप लिंक
मिल जाएगा। एक नंबर स्क्रीन पे भी शो कर रहा होगा, आप वहाँ मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं, तो जितना पॉसिबल हेल्प होगा मैं आपका वहाँ पे कर पाऊंगा। और अगर आप ये वीडियो अब तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।